हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड गढ़वाल की ट्रिप में घूमने के लिए। मैं और मेरे साथ जा रहे हैं संजय भाई, और ये अपनी पैकिंग एकदम पूरी हो गई है, और ये रहा अपना सिम्बा। और ये देखो संजय भाई, यहाँ पे सिम्बा के डर के मारे इनका नाश्ता जो गाड़ी के अंदर चल रहा है, बाहर मत आना नहीं तो तुम्हारा नाश्ता कर देंगे। हाँ, ये एकदम उतावली हो रही है। ये है हमारी अलेक्सा रानी। खाने दे। संजय भाई बाहर को मत आना। गाड़ी गाड़ी घेर रखी है इन्होंने चारों तरफ से। तो ये हमने एकदम लगेज अपना रख दिया है गाड़ी में, और पीछे डिग्गी में है अपना कैंपिंग का सामान। तो जहाँ पे मौका लगेगा तो कैंपिंग वगैरह करेंगे। तो गाइज़, हमने एकदम सामान वगैरह सब रख दिया गाड़ी में, तो अब निकलते हैं घर से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। और ये खड़ी है अपनी मम्मी अपनी खास। चल ठीक है भाई, मम्मी यहाँ चलते हैं, मिलते हैं फिर। हाँ, ठीक है। तो गाइज़, फाइनली हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है, और बेसिकली हम जा रहे हैं यहाँ पे स्नोफॉल की खोज में उत्तराखंड गढ़वाल की तरफ को, क्योंकि हमारे कुमाऊँ में इस बार स्नोफॉल हुई नहीं। इंतज़ार करते करते हमारी आँखें तरस गई, तो आप चलते हैं। तो गाइज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस जर्नी में, क्योंकि आप लोगों के बिना हमारी जर्नी आधी अधूरी है। तो चलते हैं, और आप लोगों को भी प्रॉपर दिखाएंगे स्नोफॉल, अगर मिला तो, क्योंकि कंफर्म तो हमें भी नहीं पता है कि स्नोफॉल मिलेगा कि नहीं। तो गाइज़, अब चलते हैं, और बाकी आपको पूरा जोशीमठ तक का रूट दिखाते हैं आपको, रामनगर से जोशीमठ तक का। तो गाइज़, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे छोई पेट्रोल पंप पे, और रिफ्यूलिंग करा लेते हैं गाड़ी में, तो काफ़ी दूर जाना है, और फिर सीधा एकदम गाड़ी लगाते हैं हाईवे की तरफ को। तो गाइज, घर से निकलते टाइम हमने करा था 4 रोटी का नाश्ता, और ये हमारी गाड़ी कर गई है 4000 का नाश्ता। इसको ऐसे ही नहीं, सड़कों का हाथी कहते हैं। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं रामनगर को। आप मेरे राइट साइड देखेंगे तो ये रामनगर सिटी की तरफ रोड जा रहा है, और हम सीधा यहाँ से बाईपास से चलते हैं काशीपुर की तरफ को। तो गाइज, कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे काशीपुर सिटी में, और ये सीधा रोड जा रहा है काशीपुर को, या तो यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है। बाईपास होते हुए हम सीधा जाएंगे 4 लेन में, जो कि हाईवे बना हुआ है देहरादून की तरफ को जाने का। तो गाइज, कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं देहरादून हाईवे पे। हम यहाँ पे 4 लेन में हमने एंट्री कर ली है। और तो गाइज, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाईवे है, सबसे लंबा हाईवे है ये, जिसका एक सिरा हिमाचल प्रदेश में टच है और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाईवे है जिस पे अभी हम चल रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे हाईवे में एंटर करते ही हमें पहला टोल प्लाजा यहाँ पे पड़ा है, और जो कि ये जसपुर जगह होगी। हाँ, तो ये जसपुर का टोल प्लाजा है, और अभी ये करेगा फास्ट टैग को स्कैन, और देखना प्लग झपकते यहाँ पे स्कैनिंग होगी और गेट खुलेगा उसके बाद। तो ये देखो, ये फास्ट टैग का कार्ड यहाँ लगा हुआ है, इसको कैमरा स्कैन करता है। और पहले जब ये फास्टैग नहीं हुआ करते थे तो टोल प्लाजा पे किलोमीटरों के लंबे जाम लग जाते थे दोनों तरफ। तो जब से ये वाली सुविधा मेरे कहने पे सरकार ने शुरू करी है तो तब से काफी ज्यादा है कि लोगों को सहूलियत है, काफी इजी टू मूव हो जा रहा है। तो गाइज, हम पहुंच गए यहाँ पे नगीना की मार्केट में, और हम बाईपास से नहीं गए, अंदर आ गए मार्केट में। उसका रीजन ये है कि ये नगीना जो फेमस है, ये है गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पे तुलाराम जी के फेमस गुलाब जामुन मिलते हैं, तो वो खाते हुए बढ़ेंगे आगे। तो गाइज, हम आ गए यहाँ पे तुलाराम जी की शॉप पे, और अगर आप नगीना से निकल रहे हैं यहाँ के, अगर आपने गुलाब जामुन ना खाए तो समझ लो आपका सफर जो है एकदम फीका हो जाएगा। तो भैया, थोड़ा हमें बताओ, आपने जो ये है अपने गुलाब जामुन के जो स्वाद से लोगों को जो दीवाना बना रखा है इतने सालों से, तो थोड़ा उसका कुछ राज बताओ हमें। मैं घर का मावा, घर का पनीर लगता है, और पैकिंग कई तरह की होती है। अच्छा, बॉक्स में है, एक इंटरनेशनल पैकिंग है हमारी हांडी में। अच्छा, और ये डब्बा अभी नया लॉन्च करा है, क्वालिटी इसके अंदर यही है सेम। अच्छा, इसकी लाइफ 6 मंथ है। अच्छा, 6 मंथ। और जो इधर बोर्ड लगा है, ये 1945 से शॉप है क्या आपकी? 1945 से शॉप है ये। अच्छा, सबसे पुरानी शॉप है। सबसे पुरानी? हाँ, ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी आप पूरे नगीना में। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ की क्वालिटी खरीदने खाने के लिए। एकदम लाजवाब टेस्ट है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो गाइस, अब बढ़ते हैं यहाँ से
आगे की तरफ को। तो गाइस ये पहुंच गए हम नजीमाबाद, और ये नजीमाबाद की चौकी है और कुछ इस तरीके का मार्केट है नजीबाबाद का। तो गाइस ये हमने एंट्री ले ली है कोटद्वार में, और ये कोटद्वार की है मार्केट। तो गाइस अभी हम कोटद्वार से 40-50 किलोमीटर ऊपर को बढ़े होंगे हिल स्टेशनों पे, तो यहाँ पे हमें दर्शन हुए हैं हिमालय पर्वत के। मैं आपको दिखाता हूँ, काफी खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है हिमालय का। तो गाइस ये था अभी हिमालय का व्यू। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ को, और जो है कि सफर करते करते बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रहा है एकदम, तो मुझे तो नींद सी आने लगी है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सतपुली में, और सतपुली है ना भैया ये जगह, और यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे लंच। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे घर से, और यहाँ का वेदर तो अभी बिल्कुल एकदम गर्म है जैसा हमारा नीचे प्लेन्स का है। बाकी अभी यहाँ से 30 किलोमीटर पौड़ी बच गया है, वहाँ से बोल रहे हैं अंकल की जो बर्फ़ है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस लंच करके यहाँ से हम निकल गए हैं, और जोशीमठ की जो अभी भी यहाँ से डिस्टेंस बची है पूरी 250 किलोमीटर अभी जोशीमठ है यहाँ से। आज तो मुश्किल ही लग रहा है कि वहाँ तक हम पहुँच पाए, देखो कहाँ तक कवर होगा। क्यों संजय भाई, पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्टेशन है अभी पहुँचने का वो पौड़ी है, पहले पौड़ी पहुँचे हम, फिर देखा जाएगा वहाँ से। तो भाई ये हम आ गए हैं पौड़ी गढ़वाल की सिटी में, और आप देखो कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी है मार्केट है। तगड़ा ही शहर है संजय भाई ये तो, बिल्कुल बॉस ना, गढ़वाल का सबसे बहुत मतलब है बड़ा शहर है गढ़वाल का ना। तो गाइस सुबह से सफ़र कर रहे हैं और थकान के मारे एकदम हालत ख़राब हो गई है, और अभी हम पहुंचे हैं श्रीनगर में, और फाइनली यहाँ पे जो व्यू देखने को मिला श्रीनगर सिटी का वो एकदम अल्टीमेट है, वो देख के एकदम सारी थकान दूर हो गई है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, और आप देख रहे हो हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, वो पूरी नाइट हो चुकी है यहाँ पे। तो होटल हमने यहाँ पे ले लिया रुद्रप्रयाग में, यहाँ पे होटल है तुलसी होटल है ना संजय भाई, तुलसी होटल है, यहाँ पे हमने रूम लिया है। जो मेन रीज़न यहाँ होटल में रूम लेने का था, यहाँ पार्किंग है तो गाड़ी अपनी सेफ है, तो टेंशन फ्री अपना रहेंगे। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम पे यहाँ पे जहाँ मैंने आज स्टे किया है, और तो हमारा टारगेट तो था वैसे जोशीमठ जाने का, पर रात हो गई थी तो हम यहीं रुद्रप्रयाग में रुक गए, और यहाँ होटल भी ठीक ठाक मिल गया है, 1000 रुपये रेंट है इसका एक नाइट का। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और कल हम अब मॉर्निंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से जोशीमठ और ओली के लिए, तो वो वाला ब्लॉग आप मिस मत करना, चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।